ये दूसरी अवधारणा है। एक अवधारणा है एकेश्वरवाद, एक अवधारणा है अनेकेश्वरवाद। अनेक ईश्वर हैं, अनेक भगवान, अनेक परमात्मा हैं। भाइयों, मामला थोड़ा मुश्किल टफ सा है, पर समझने की दृष्टि से समझा जाए तो कुछ बात है। हम अनेक ईश्वरवादी हैं, जैन धर्म वाले एक ईश्वरवादी नहीं, भगवान एक है नहीं। महावीर स्वामी एक हुए, पर तीर्थंकर एक नहीं हुए, तीर्थंकर तो बहुत हुए, ये 24 हुए, इससे पहले हुए, आगे होंगे। और भगवान के बाद जिसको केवल ज्ञान हो जाए वही भगवान। भगवान महावीर के समय में बहुत केवल ज्ञानी थे, सारे भगवान थे। और जिसको केवल ज्ञान हो जाए वो अरिहंत है। हालांकि अरिहंतों के दो भेद हैं, तीर्थंकर अरिहंत और सामान्य केवल ही, वो एक अलग चर्चा है। बात समझने कितनी है कि जैन धर्म अनेकेश्वरवादी है, अनेक परमात्माओं को मानने वाला है, एक नहीं। केवल अरिहंत को एक, महावीर स्वामी एक हुए, अरिहंत एक नहीं हुए। अरिहंत तो बहुत हुए, पहले हुए, उनके समय में भी थे, अनेक थे। अन्य धर्मों में एकेश्वरवाद है, परमात्मा ईश्वर वह एक है, भगवान एक है। वैदिक परंपरा में जो ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना यानी धारणा है वो बाद की है, बाद का मतलब आगे भेदों की है। जो मूल बात है वो ये, ब्रह्म परमात्मा वो एक है। जैन धर्म अनेकेश्वरवादी है। जिसको भी ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही है सब। बंधुओं, अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, अर्थात जितने जितने कितने जितने, कोई संख्या नहीं, कितने जितने भी हुए और हैं जहाँ जहाँ पर, उनको मेरा नमस्कार है। अब बात आगे की है, ये तो पहले पद का चिंतन हुआ। दूसरा पद है नमो सिद्धाणं। क्या है भाइयों? मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं। सिद्ध कौन है? इसके सहज सामान्य व्याख्या तो ये है, जिनका कार्य सिद्ध हो गया। क्या कार्य? साधना का, मुक्ति प्राप्ति का जो कार्य है वह सिद्ध हो गया, वे सिद्ध भगवान हैं। और इसकी व्याख्या करें सिद्ध की, तो व्याख्या यह है कि जो आत्मा अरिहंत पद पर प्रतिष्ठित होती है, जो आत्मा अरिहंत बनती है, उस आत्मा के 8 कर्मों में से 4 कर्म नष्ट होते हैं, 4 कर्म शेष रहते हैं। 8 कर्मों के 2 भेद हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। जो घातिया कर्म है वो सबसे प्रबल है, उनका नाश होने पर, उनके नष्ट होने पर तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान जो प्राप्त होता है उसकी संज्ञा अरिहंत होती है, उसकी संज्ञा भगवान परमात्मा होती है। वो 4 कर्म, मोहनीय कर्म, घातिया कर्म बता रहा हूँ, आप जानते भी हैं, फिर भी ध्यान रखने के लिए, मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 कर्म जिसके नष्ट हो जाते हैं उस आत्मा को केवल ज्ञान होता है, उसकी संज्ञा परमात्मा होती है, उसकी संज्ञा भगवान होती है। और भी जितने शब्द हैं वो सब उनके लिए प्रयोग होते। प्रश्न ये बना, वो बाकी 4 कर्म जो रहे उनका क्या हुआ?
वो क्या रहे? आयुष कर्म। क्योंकि आयुष कर्म से ही आत्मा शरीर के साथ जुड़ी रहती है। यही वो बंधन है जो आत्मा को और शरीर को जोड़ कर रखता है। इसी कर्म के कारण से आत्मा इस देह में वास निवास करती है। किससे? इस कर्म के कारण से। और बंध वो फिर क्या होता है? इस देह में वास करने के अंदर क्या होता है? सुख दुख भोगती है, वह वेदनीय कर्म है। वो दो प्रकार से है, वह सातारूप सुख रूप है, असातार दुख रूप। थोड़े से जागृत बनो, बात को समझने की कोशिश करो। एक गहरे और ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं आप सबको। बंधु वो जो कर्म है जिस रूप में है, चाहे वो साता में है चाहे असाता में है, उस कर्म को आत्मा भोगती है शरीर के माध्यम से। ये शेष और बाकी रहता है। और बंधु नाम कर्म और गोत्र कर्म, इनकी अपनी बात है कि आत्मा क्या कहलाती है, व्यक्ति क्या किस नाम से संबोधित हुआ और उसकी ऊंचाई क्या है, ये गोत्र की बात हुई। ये चार कर्म उस आत्मा के, जिसको हमने भगवान परमात्मा अर्यंत कहा, उसके शेष रहते हैं। ये सहज रूप से अपने आप इनकी निर्जरा होती है, ये भोगे जाते हैं। जब ये चारों कर्म, हाँ जी, ये चारों कर्म जब नष्ट हो जाते हैं, फिर क्या हुआ? अब है वो बात, क्या हुआ? जब आयुष कर्म का बंधन टूट गया, नष्ट हो गया, आत्मा स्वतंत्र हुई। देह था तो सुख दुख थे, अब देह ही नहीं रहा, देह छोड़ दिया, ये भी दूर हो गई। आत्मा का कोई नाम और गोत्र नहीं होता उस रूप में, ये भी छूट गए। फिर आत्मा का हुआ क्या? कुछ तो कहते हो संसार में भटकती है, ऐसे नहीं होता। संसार में कोई नहीं भटकती, आत्मा फिर मुक्ति मोक्ष में जाती है, मोक्ष को प्राप्त करती है। वो कैसे करती है? मैं वहां जाऊं ये भाव नहीं होता, वो होता है स्वभावगत, अपने स्वभाव से। दो चीजों के दो स्वभाव हैं, एक पानी है और एक अग्नि है। पानी का स्वभाव अधोगमन है, नीचे को जाना है। हाँ जी, पानी का स्वभाव क्या है? अधोगमन। कहीं भी कोई व्यक्ति पानी अगर डालता है, डुलाता है, तो वो जिधर नीचा होगा उसको कहने की जरूरत नहीं, भाई अब तो इधर मुड़ जाए, इधर आ जाए, कुछ कर ले। उसका स्वभाव है ये कि वह नीचे की ओर जाता है। पानी का स्वभाव अधोगमन, नीचे की ओर जाना है। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, ऊपर को जाना है। जब भी ज्योति जलेगी, अग्नि जलेगी, वह नीचे से ऊपर जाएगी। क्यों भाई? किसी ने माचिस की तिल्ली जलाई, ज्योति प्रकट हुई। ज्योति प्रकट होते ही वह ऊर्ध्वगमन ऊपर को जाती है, ज्योति ऊपर को जाती है। मोमबत्ती पर ध्यान दे लें, मोमबत्ती जलाई वह ऊपर को जाती है। कोई आदमी ये कहे कि नहीं ऊपर क्यों जाएगी, मोमबत्ती को पकड़कर टेढ़ा कर दे, जो सीधी खड़ी थी उसको टेढ़ा कर दे, मोमबत्ती टेढ़ी हुई, ज्योति टेढ़ी नहीं हुई। हाँ जी भाई, समझ आ रही है ना बात? टेढ़ी क्या हुई? मोमबत्ती हुई।
ज्योति तो फिर ऊपर को जाएगी, ऊर्ध्व को जाएगी। कोई और धृष्टता करे, बिल्कुल उल्टा कर दे, कर दे, वो जो होगा मोमबत्ती में होगा, ज्योति में नहीं होगा। ज्योति बुझ भले ही जाए, ये एक अलग सब्जेक्ट है, अलग बात है, लेकिन उसका गमन ऊर्ध्व होगा, ऊपर को जाए। जैसे अग्नि ज्योति का स्वभाव ऊर्ध्व गमन ऊपर जाने का है, ऐसे ही आत्मा ज्योति स्वरूप होती है, इसका स्वभाव भी ऊर्ध्व गमन ऊपर जाने का होता है। जब शरीर छूट गया, यानी जब आयुष कर्म नष्ट हो गया, बंधन हट गया, शरीर छूट गया, छोड़ दिया, अब आत्मा ऊर्ध्व गमन करती, ऊपर को जाती है। कहाँ जाती है वह है? इस लोक के अंतिम भाग तक, वहाँ तक जाती है। वहाँ सिद्ध स्थान है, सिद्ध शिला है, वहाँ सिद्ध विराजते हैं, वहाँ सिद्ध होते हैं, वहाँ पर सिद्ध रहते हैं, वहाँ जाती है, और वहाँ जाकर ये अवस्थित स्थिर हो जाती है, वहाँ पर विराजित हो जाती है। ये बात हुई सिद्ध भगवान की, कि जो अरिहंत जिनके हमने चर्चा की, वे अरिहंतियों दूसरा पद सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं और वे मुक्ति मोक्ष में जाते हैं। अरिहंत और सिद्ध, ये दोनों परमात्मा हैं। अरिहंत भी परमात्मा है और सिद्ध भी परमात्मा है। अब इसमें जो विचार है वो ये विचार है कि वे अरिहंतों के चार कर्म शेष होते हैं, चार नष्ट होते हैं, सिद्धों के आठ कर्म नष्ट होते हैं और वे मुक्ति मोक्ष में चले जाते हैं। तो बड़े कौन हुए इसमें? जिसके आठ कर्म नष्ट हुए वो बड़े हुए, या जिसके चार कर्म नष्ट हुए, चार बाकी हैं, वो बड़े हुए? बड़े कौन हुए? सहज बात है, मैं आपको ज़्यादा प्रश्नों में नहीं उलझा रहा, बात समझाना चाह रहा हूँ। इस भाव और दृष्टि से तो यही कहेंगे कि जी सिद्ध बड़े हुए। सिद्ध अगर बड़े हुए तो फिर जब नमन की बात आई तो पहले सिद्धों को नमन होना चाहिए, नमो सिद्धानं, उसके बाद अरिहंतों को नमन होना चाहिए, फिर हम अरिहंतों को नमन करें। लेकिन हम नमन करते हैं पहले अरिहंतों को और फिर नमन करते हैं सिद्धों को। इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर जो लोग देते हैं वो एक ही तरह से देते हैं, और वो क्या देते हैं, कैसे देते हैं? एक कबीरदास के दोहे के द्वारा देते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए या मिलाए। भगवान और गुरु दोनों खड़े थे, संयोग है दोनों सामने खड़े थे। कबीर कहते हैं भक्त के लिए मुश्किल हो गई कि वो पहले नमन किसको करे, भगवान को करे या गुरु को करे, किसको करे? कबीर ने तो रास्ता निकाल दिया और वो कहते हैं भाई पहले गुरु को करो, गुरु की कृपा से हमें भगवान के दर्शन हुए, भगवान मिले। अगर गुरु ना होते बीच में, गुरु की कृपा ना होती तो भगवान हमारे को मिल नहीं सकते थे। तो ये हमारा भक्त का कृतज्ञता भाव है कि भाई इन्होंने खाया, इन्होंने मिलाया, तो पहले नमन इनको किया जाए। गुरु के द्वारा उसकी पहचान हो गई, अब भगवान को नमन किया जाए। अक्सर करके इस प्रश्न का उत्तर इस दोहे के द्वारा ही देते हैं कि भाई ये ऐसे है। क्यों ऐसे? क्योंकि अरिहंत जो हैं उन्होंने सिद्धों के बारे में बताया, उन्होंने आत्मा के बारे में बताया, मोक्ष के बारे में बताया, बताने वाले अरिहंत थे,
सिद्ध तो बताने वाले नहीं थे, उन्होंने बताया तो मैं सिद्धों के बारे में ज्ञान हुआ, अतएव उनको हम पहले नमस्कार करते हैं अरिहंतों को, ये कारण है। अक्सर करके इस प्रश्न का उत्तर इस रूप में दे दें। हाँ जी, कोई और है इसका उत्तर, कोई और बात? इसी रूप में देते हैं। गुरु महाराज विराजमान थे, एक दिन ऐसा ही मामला हो गया, एक संत ने इसी प्रश्न को इस दोहे के द्वारा समाधान दिया। गुरु महाराज ने सुना, थे तो ऊपर विराजमान गैलरी में, वो पर सुना। बाद में जब गुरु महाराज के पास बैठे, उन बोले मुनि को कि भाई एक बात तो बताओ, ये दोहा है कितना पुराना? बोले जी दोहा कबीरदास का। बोले कबीरदास का तो है, पर कितना पुराना? कबीरदास कब हुए? कबीरदास 500 साल पहले हुए। बोले दोहा भी 500 साल का ही हुआ, क्योंकि उससे पहले तो कबीर ने बनाया, रचने वाला हुआ। बोले प्रश्न तो उससे पहले भी था। जो प्रश्न है वो तो इससे पहले भी था, 600 साल पहले भी था, 700 साल पहले भी था, ये तो वहीं से आ रहा है जब से भगवान महावीर थे, और उससे पहले भी था। अब और तीर्थंकरों की बात तो क्या करें, महावीर से शुरू करते हैं। ये प्रश्न तो तब भी था अरिहंत और सिद्ध का, अब 500 साल से समाधान मिला कि भाई इसको ऐसे ऐसे कर लो, मुश्किल हो गई आप और मेरे लिए भी मुश्किल हो गई, बताओ क्या करें। दुआ तो है ही 500 साल का, और प्रश्न है 2500 साल पुराना। पहले का है तो प्रश्न कि भाई अरिहंतों को नमस्कार पहले किया और सिद्धों को नमस्कार बाद में किया, समाधान क्या हुआ? ये पहले और पीछे क्यों हुआ, क्या कारण है? गुरु महाराज ने जो कृपा की, उन्होंने जो बात बताई वो आपको बताने लग रहा हूं। उन्होंने कहा अरिहंत से सिद्ध बना जाता है, फिर समझ लो, फिर याद कर लो, फिर ध्यान दे लो, अरिहंत से सिद्ध बना जाता है, फिर दोहरा लो इसको।